सिंगरौली में एक नाबालिग लड़के की प्रेम संबंध के चलते लड़की के रिश्तेदारों ने हत्या कर दी। लड़की से मिलने आए लड़के से पहले मारपीट की गई और जब वह घायल हो गया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डिगवाह गांव निवासी नाबालिग प्रेमी का लड़की से प्रेम करना लड़की के परिजनों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी उदय सिंह करिहार ने बताया कि लड़की के पिता सूरज भान सिंह को जब पता चला कि लखपति सिंह उनकी लड़की से मिलने अपने दोस्त के साथ आ रहा है, तभी उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर लड़के के साथ मारपीट की और जब वो घायल हो गया तब उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में लड़के के दोस्त ने बताया कि लड़की के पिता और उनके भाइयों ने मिलकर उसके दोस्त की हत्या की है। दिनांक 20 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुआ कि भैंसाबूढ़ा बांध में, भैंसाबूढ़ा गांव पे एक बांध है छोटा सा, वहाँ किसी व्यक्ति का लाश दिख रहा है। सूचना पाकर तत्काल मैं रवाना होकर स्टाफ को लेकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक लखपति सिंह पिता सिरचंद सिंह निवासी डोंगरी का रहने वाला है, जो दिनांक 17 तारीख दिन मंगलवार के रात करीब 9 बजे के लगभग अपने साथी महिपाल सिंह के साथ घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं गया। परिजनों के द्वारा ढूंढ रहे थे और आज उसका लाश मिला है। सूचना उसके पिता की सूचना पर हम मर्ग कायम कर जांच में लिए थे। बाद मृतक के शव का PHC लंगाडोल से PM करवाया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।